व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन स्पेस एयर एंड ह्यूमन। ये कहानी हमें आज की दुनिया की सच्चाई बहुत ही अनोखे तरीके से बताती है और इसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें कोरिया की एक पुरानी जंगी जहाज़ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही सुहाने सफ़र पर जा रहा है जिसमें पूरे 121 लोग शामिल हैं। अब इन लोगों में कुछ बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं तो कुछ बहुत ही गरीब लोग होते हैं। और इसी जहाज़ में हम एक न्यूली वेडिंग कपल को भी देखते हैं जिनके नाम होते हैं तकाशी और इवा। तकाशी अपनी वाइफ से कहता है कि न जाने इस जहाज़ ने कितनी जंगें देखी होंगी और कितने लोग इसमें मारे गए होंगे। और इसी दौरान इवा की नज़र एक मिनिस्टर पर पड़ती है जो कि इस शिप में अपने बेटे एडम के साथ आया हुआ था। ये मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है और मिनिस्टर का बेटा उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं और हो सकता है कि आप कुछ ही दिनों में देश के प्रेसिडेंट भी बन जाए, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। और वो वही कहता है जो हर अमीर बच्चा कहता है अपने पिता से। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, देखते हैं कितना ऊपर तक तुम जा सकते हो। और आगे हम इसी शिप में एक गैंग के लीडर जॉन को देखते हैं जो कि गुंडा होता है और अपने लोगों के साथ मिनिस्टर के पास आता है और कहता है कि सर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। अब जॉन जानता है कि अगर वो प्रेसिडेंट का खास बन गया तो उसे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम कुछ प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो एक रूम के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच वहाँ एक स्टाफ का आदमी आता है जिसे वो कहती है कि हम लोगों ने भी पैसे पूरे दिए हैं तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। और तभी वहाँ जॉन के साथ उसके गुंडे आ जाते हैं जो उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इतना शोर सुन के तकाशी उनके पास आता और लड़कियों का साइड लेता है, लेकिन जॉन उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है। अब ये सारी घटनाएं खिड़की से मिनिस्टर देख रहा होता है, अगर वो चाहे तो सब कुछ रोक सकता है, लेकिन उसकी अलग ही अकड़ थी दोस्तों, उसे अपने स्टेटस की पड़ी थी। अब एडम उससे कहता है कि ये गुंडे तो हमारे पीछे ही पड़ गए जैसे हमारे नौकर हों। वही हम तकाशी और ईवा को देखते हैं जो बालकनी के पास बैठे थे और इसी बीच उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो आदमी शिप की दरारों से मिट्टी इकट्ठा कर रहा है और जब वो उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुरा देता है, लेकिन इसी मुस्कुराहट के पीछे इस पूरी कहानी का मतलब छुपा हुआ है जो कि आपको आगे पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि अब हमारे शिप चलने को तैयार है। थोड़ी देर बाद खाने का समय हो जाता है और सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मिनिस्टर के लिए स्पेशल खाना बनाया गया था और वहीं दूसरी तरफ बाकी पैसेंजर नॉर्मल खाना खा रहे थे। उनके साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन कोई भी इनसे सवाल नहीं करता क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। और तभी वहाँ जॉन आके बैठ जाता है और हर बार की तरह उनकी मिनिस्टर की चापलूसी करना चालू कर देता है। अब ये सब तकाशी से देखा नहीं जाता और वो कैप्टन के पास आता और कहता है कि हम सब ने बराबर पैसे दिए हैं, लेकिन हमारा और इनके बीच में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। कैप्टन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये कौन है, ये हमारे आने वाले कल के प्रेसिडेंट है। अगर ये हमारे प्रेसिडेंट है तो इन्हें हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए क्योंकि ये प्रेसिडेंट तभी बनेंगे जब हम इन्हें वोट देंगे। अब हमारी वजह से ही ये प्रेसिडेंट है। ये सुनकर जॉन तकाशी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे बुरा भला कहने लगता है क्योंकि वो मिनिस्टर का चापलूस था। अब ये देखकर सारे लोगों का ध्यान उन लोगों पर आ जाता है जिसे देखते हुए मिनिस्टर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है कि कल से सबको एक जैसा खाना मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए वो कहता है और वो अंदर से बहुत ही बुरा इंसान होता है। इसलिए थोड़ी देर बाद वो जॉन से तकाशी को धमकाने को कहता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो उसे शिप से नीचे फेंक दिया जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और इसी बीच ईवा की नज़र उसी बूढ़े आदमी पर दोबारा पड़ती है और इस बार ये आदमी किचन में कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। और जब वो उसका पीछा करती है तो देखती है कि वो एक रूम में जा रहा है जहां उस आदमी ने कुछ कप्स में मिट्टी इकट्ठा कर रखी है और उसमें वो आलू उगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने दो अंडे भी चुराए हुए हैं जिसे वो बल्ब के नीचे रख कर उनमें गर्मी दे रहा है ताकि उसमें से चूजे निकल सकें। और ये सारी चीज़ें देखकर दोनों को काफ़ी अजीब लगता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी क्या करने की सोच रहा है। अब इसके बाद शाम हो जाती है और लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कहीं पर कोई नशे में होता है तो कहीं कोई सट्टेबाजी में लगा होता है, लेकिन वहीं ईवा और तकाशी अपने इन्हीं पलों को अकेले जी रहे होते हैं। वहीं शिप के किनारे समुंदर की लहरों का मज़ा उठा रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुशियों पर मिनिस्टर की नज़र लग जाती है। वो ईवा को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा होता है और तभी वहाँ जॉन आता है जो उसे कहता है
कि अगर आप कहो तो मैं ये लड़की आपके पास ला सकता हूँ। अब मिनिस्टर कहता है कि तुम शुरू से बस बोल ही रहे हो, कुछ करते नहीं हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें काफ़ी बड़ा इनाम दूंगा। अब दोस्तों वही होने जा रहा था जिसका हम सभी को डर होता है। अब जॉन के गुंडे उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें कमरे से खींच कर बाहर लाते हैं। पहले तो वो तकाशी को बहुत ही मारते हैं और बाद में ईवा के साथ गलत काम करते हैं। अब ये सब बाहर खड़ा हुआ जॉन देख रहा होता है। उसकी तकाशी से पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए वो उसे पहले तो बहुत मारता है और बाद में उसे उठाकर समुंदर में फेंक देता है, जिसके बाद वो ईवा के साथ भी गलत काम करता है और बाद में मिनिस्टर भी उसके साथ वही करता है। और यहाँ पर हैवानियत अपनी चरम सीमा पर होती है। अब मिनिस्टर के रूम से निकलने के बाद वहाँ उसका बेटा आता है, जिसे ईवा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख रहा था, लेकिन वो अपने अंदर के जानवर को रोक नहीं पाता और उसके साथ वही गलत काम कर देता है। अब ये सारी घटनाएं शीशे से वही बूढ़ा आदमी देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन जब ईवा को होश आता है तो वो तकाशी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा करने से वही बूढ़ा आदमी रोक लेता है। अब दोस्तों आज का दिन किसी तरह से बीत जाता है, लेकिन कल का सूरज जहाज पे सफर कर रहे लोगों को कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देख के वो लोग हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जब ईवा सोकर उठती है तो वो देखती है कि जहाज पानी की लहरों को छूने के बजाय आसमान के बादलों को छू रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिस शिप में ये लोग थे वो समुंदर की बजाय आसमान में उड़ रहा था। क्या ये कोई कुदरत का करिश्मा है या जो उस दिन ईवा के साथ हुआ उसका अंजाम है, ये तो आगे पता लगेगा। अब ये नज़ारा देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कैप्टन बताता है कि हमारे पास इस टाइम कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा जिसे हम मदद मांग सके। वहीं ईवा जब उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाती है तो देखती है कि जिस अंडे को उसने रखे थे अब उनमें से बच्चे निकल आए और छोटे पौधे में पेड़ भी आना शुरू हो गए हैं। वो उसे पूछती है कि आपको पता है ना कि हम कहाँ हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो उसे एक छोटा पौधा देता है जिसे देख के वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उस बूढ़े आदमी को पता था कि ईवा के पेट में एक बच्चा पल रहा है और ये छोटा पौधा इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। अब यही वजह है कि उसने उसकी जान बचाई थी। और इसके बाद कैप्टन मिनिस्टर को बताता है कि हमारे शिप में सिर्फ 6 दिन का ही खाना बचा हुआ है, अगर ये शिप ऐसे ही उड़ता रहा तो लोग भूखे मर जाएंगे। और जब ये खबर बाहर फैलती है तो सारे लोग स्टोर रूम की तरफ टूट पड़ते हैं। और इसी बीच वहाँ मिनिस्टर आता है जो अपनी इलेक्शन वाली स्पीच देता है। वो सबसे कहता है कि मैं आपका मिनिस्टर हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग एक समान खाना खाएं। हर बार की तरह लोग नेता की चिकनी चापलूसी वाली बातों में आ जाते हैं और उसे स्टोर रूम की चाबी दे देते हैं। अब सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अब इस जहाज पे सिर्फ लोगों को आधा पेट ही खाना दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग सही से खाना खा सके। लेकिन ये सब देखकर कैप्टन कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अगर हालात और ज़्यादा बिगड़े, जो कि बिगड़ने वाले हैं, और इसीलिए वो अपने स्टाफ से कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे, जिसके लिए हमें हथियार ढूंढने होंगे। और अब इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। लोग आधा अधूरा खाना खा के अपना दिन गुजार रहे थे, लेकिन ऐसा कब तक चलता दोस्तों। अब हर रोज़ गुंडे और उनके बीच में खाने को लेकर लड़ाई होने लगती है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं दिखता। अब धीरे धीरे करके एक दिन पानी ख़त्म होने की खबर फैल जाती है और इन सब से उस बूढ़े आदमी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने कामों में बिजी होता है। और पानी ख़त्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी लोगों के यूरिन से पौधों को पानी देता है। और अब ईवा भी उसके इन सब कामों में उसकी मदद करने लगती है, लेकिन उसे इन सब का कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब तक इन पेड़ों में फसल आना शुरू होगी तब तक जहाज़ पर सारे लोग भूखे मर जाएंगे। वहीं एक तरफ अब कैप्टन को कुछ बॉम्ब मिल जाते हैं जिससे वो संभाल कर रख लेता है, ताकि वो और उसका स्टाफ अपनी हिफाजत कर सके। और अब हम देखते हैं कि पूरा शिप 2 ग्रुप में बट चुका था, एक तरफ मिनिस्टर और गुंडे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ होते हैं आम लोग। इधर हम देखते हैं कि मिनिस्टर और गुंडे अभी भी आराम से पेट भरकर खाना खा रहे थे और इधर आम लोग भूखे मर रहे थे। ये सब देख के जॉन सोचता है कि वो मिनिस्टर के और करीब आ सकता है, इसलिए वो अपनी बंदूक भी मिनिस्टर को दे देता है। अब तो मिनिस्टर खुद को भगवान समझने लगा था, जिसके बाद वो लोगों को खाना और ज़्यादा कम कर देता है। अब लोगों को 2 दिन में सिर्फ 1 बार खाना मिल रहा था। और इसके बाद हम मिनिस्टर के बेटे एडम को देखते हैं, जिसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ईवा के पास जाता है और उस रात के लिए उसे माफ़ी मांगता है।
लेकिन इवा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वेल अब दोस्तों, जो सीन आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये आपको भूख की अहमियत बता देगा कि मौत तो सिर्फ एक बार आती है, लेकिन भूख एक बार मिटाने के बाद दोबारा आती है। हम देखते हैं कि मिनिस्टर और गुंडे आराम से खाना खा रहे होते हैं और तभी मिनिस्टर एक चिकन पीस भूखे लोगों के पास फेंकता है और सभी लोग उस टुकड़े पर जानवर की तरह टूट पड़ते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और ये सारी घटना इवा से देखी नहीं जाती और वो बीच में बोल पड़ती है कि एक तो तुम लोगों ने खाना छीन लिया हमसे और अब ये कर रहे हो, थोड़ी तो तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अब ये सुनकर जॉन उस पर चढ़ जाता है, लेकिन इस बार ये एडम इवा का साथ देता है और उसकी तरफ से बोलता है। अब यहाँ दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिलती है, करप्शन यानी कि घूसखोरी। शिप में जिस जिस लोगों के पास थोड़े मोड़े पैसे होते हैं वो उन पैसे को दे के स्टोर रूम से खाना ले लेते हैं, लेकिन जब इस बात की खबर और लोगों को पड़ती है तो उन लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इतने में वहाँ मिनिस्टर आ जाता है जो कि जॉन को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसी का एक आदमी ये सारी कारनामा कर रहा था। मिनिस्टर जॉन से कहता है कि तुमसे अपने लोग संभाले नहीं जाते हैं और वो उस पर बंदूक तान देता है, जिससे जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब शाम हो जाती है और मिनिस्टर जॉन को शराब पिलाता है, उसे बहुत ही प्यार से बातें करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे जॉन की ज़रूरत है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वरना ये सारे लोग उसे मार डालेंगे। अब सीन कट होता और हम एडम और इवा को साथ में देखते हैं। एडम को भी उस बूढ़े आदमी के बारे में पता चल चुका था, जो इवा बताती है कि ये काफ़ी अजीब आदमी है, इनसे कुछ भी पूछो तो ये बस मुस्कुराते रहते हैं, जैसे कि इन्हें पहले से ही पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि खाना दो दिन में एक बार के बजाय 3 दिन में एक बार मिलने लगा है और इससे लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है, जिस वजह से वो अब स्टोर रूम की तरफ धावा बोल देते हैं और खाना लूटने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिनिस्टर आ जाता है जो उन लोगों को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते। अब मिनिस्टर गुस्से में आके एक आदमी को गोली मार देता है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब लोगों के जाने के बाद गुंडे उस आदमी की लाश को समुंदर में फेंकने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उस लाश को अपने साथ ले जाता है। अभी वह उस बूढ़े आदमी का पीछा करती है, लेकिन जो नज़ारा वो देखती है उसकी रूह कांप जाती है। अब हम देखते हैं कि पेड़ों को उगाने के लिए जो मिट्टी लग रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो बूढ़ा आदमी उस लाश की हड्डियों को निकालकर उसका चूरा बनाता है और उसे पौधों में डाल देता है, जिससे पौधे और तेज़ी से बढ़ सके। वहीं अभी वह इस बात से परेशान थी कि उसका ये बच्चा अब इस दुनिया में आएगा भी कि नहीं, इस वजह से वो एडम से सारी बातें शेयर कर देती है। वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, शायद तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चा आने वाला भविष्य है और हमें इसे बचा कर रखना होगा किसी भी कीमत पर। शायद वो बूढ़ा आदमी इसे बचाने के लिए सब्जियाँ और फल उगा रहा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि खाने की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है, इसलिए मिनिस्टर डिसाइड करता है कि अब से किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर जॉन बोलता है कि सर इससे तो जहाज़ पे दंगे शुरू हो जाएंगे और वो लोग हमें मार डालेंगे क्योंकि हम तादाद में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मिनिस्टर बोलता है कि अब समय आ गया है कि उन सारे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए। यहाँ पर मिनिस्टर की सच्चाई सामने आ जाती है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था ना कि लोगों के बारे में। और इसके बाद वो लोग उस बॉम्ब को भी ढूंढ लेते हैं जो कैप्टन को मिला था। अब मिनिस्टर अनाउंस करता है कि अब खाने की कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसको जितना खाना है वो स्टोर रूम में जाके खा सकता है, लेकिन जैसे ही वो मासूम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तभी स्टोर रूम का गेट बंद कर दिया जाता है और मिनिस्टर उसमें नेट फेंक देता है और सभी को जान से मार देता है। जो लोग बाहर बचे होते हैं उन्हें वो गुंडे दौड़ा दौड़ा कर ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। अब कुछ ही समय पहले ये जहाज़ जो कि एक सुहाने सफ़र पर बढ़ रहा था, लेकिन आज इस जहाज़ पर हर कोने पर एक लाशें पड़ी है। चारों तरफ बस लालच और हैवानियत फैली हुई है। शायद कहीं ना कहीं हमारी आज की दुनिया की हकीकत ये जहाज़ दिखा रहा है। ये सब देख कर कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो इस सब की मुसीबत की जड़ यानी कि खाने को ही आग लगा देता है। लेकिन जब मिनिस्टर और जॉन वहाँ पहुँचते हैं और खाने को जलता हुआ देखते हैं तो कैप्टन पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो उसे वहीं जान से मार देते हैं। लेकिन मुसीबत दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जॉन को लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें मिनिस्टर की वजह से हो रही है क्योंकि उसी के ऑर्डर पर सब कुछ हो रहा था और वो उस पर ही चिल्लाने लगता है। और मिनिस्टर उसे किसी तरह से समझाता और कहता है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें इन लाशों को ही खाना होगा। तभी जॉन भागकर बाहर आता और इवा को देखता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे रोकता है और फिर एडम से उसकी लड़ाई होना चालू हो जाती है। अब ये सब मिनिस्टर देख लेता है और इसके बाद मिनिस्टर और जॉन में लड़ाई होना चालू हो जाती है, जिसमें पहले जॉन मिनिस्टर को मारता है
और फिर एडम जॉन को मारता है, जिससे दोनों का सफाया हो जाता है। अब इस पूरे जहाज में सिर्फ वो बूढ़ा आदमी एडम और ईवा बचे हुए थे। यहाँ पर दोस्तों एडम और ईवा का रेफरेंस है एडम और ईव, जो कि दुनिया के पहले इंसान थे। कहानी आगे बढ़ती है और एडम और ईव उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उससे कुछ खाने को मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी मुर्गियों को अंडा देने में वक्त है और पौधों में फल भी नहीं लगा है, और इसीलिए वो उन्हें मरे हुए लोगों का मांस देता है, जिसे मजबूरन उन्हें खाना ही पड़ता है। अब सीन कट होता है और जॉन की लाश के पास वही बूढ़ा आदमी आता है, और जहाँ जॉन को गोली लगी थी वो वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसके अंदर एक बीज डाल देता है, और ऐसे ही वो जहाज़ में मरे हुए सारे लोगों के साथ करता है, और धीरे धीरे उन मरे हुए लोगों के अंदर से भी पौधे निकलना चालू हो जाते हैं। यानी कि किसी ने सही कहा है कि इंसान आखिर सच में मिट्टी से बना है। और वहीं एक तरफ अब एडम और ईवा की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो लोग उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उसे खाना मांगते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने हाथ में एक ताज़ा मांस का टुकड़ा देता है, और ये देखकर ईवा समझ जाती है कि उस बूढ़े आदमी ने अपना दिल निकाल कर उन्हें खाने के लिए दिया है। वो रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, और वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर फिर से मुस्कुराता है। उसने अपना सैक्रिफाइस देकर इनकी जान बचाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का समय देखते हैं, जहाँ पर एडम ईवा से पूछता है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया होगा, क्या वो भगवान था जिसने सब कुछ देखा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला और बस मुस्कुराता रहा। लेकिन ईवा को भी कुछ पता नहीं है कि वो आदमी कौन है, तो हम मान सकते हैं कि वो एक फरिश्ता था जो कि इन लोगों की मदद करने आया था। अब इसी बीच ईवा की नज़र शिप पर पड़ती है, जहाँ पर खून से सना इन्फिनिटी का निशान बना हुआ था, यानी कि ना ख़त्म होने वाला समय। ये देखिए आपको समझ आ गया होगा कि पूरी कहानी में शिप में जो भी हुआ ये कभी नहीं ख़त्म होगा। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और एडम भूख से बेहाल होता है और ईवा से कहता है कि मुझे ये मुर्गी खाना है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देती है कि इसे हम तब तक नहीं खा सकते जब तक ये अंडा ना देते, वरना उस बूढ़े आदमी ने जो इतने दिनों तक मेहनत किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एडम रुकने वाला नहीं था, वो उस मुर्गी को उठा लेता है, लेकिन तभी ईवा पीछे से उसके सर पर एक डंडा मारती है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से वही साइकिल चलना चालू हो जाती है। हम देखते हैं कि ईवा अब एडम का मांस खा के कुछ और दिन जिंदा रहती है, और अब वो इस उड़ते हुए जहाज में बिल्कुल अकेली थी। वो एडम का मांस खा के कुछ दिन तक तो अपना गुजारा कर लेती है, और अब उसका मांस भी ख़त्म हो चुका था और उसकी जो उम्मीदें थी वो भी टूटती जा रही थी। उसे लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी वो देखती है कि पेड़ों में फल आ चुके हैं और मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। यानी कि अब ईवा की भूख का इंतजाम हो गया है, जिसे वो खुद और अपने बच्चे को पाल सकती है। और अब वो इतने दिनों बाद ईवा पेट भरकर खाना खाती है। अब समय और बीत जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब ये बच्चा किसका ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ईवा को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उस बच्चे को पालना शुरू कर देती है। और ऐसे ही करते करते पूरे 17 साल बीत जाते हैं। अब वो जहाज एक घना जंगल बन चुका था और ईवा का बेटा अब जवान हो चुका था, और अब ईवा बूढ़ी हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि वो बूढ़ा आदमी एक फरिश्ता था, जो उसे सिखा गया कि जीना किसे कहते हैं। एक दिन ईवा और उसका बेटा दोनों खाना खा रहे हो, तो ईवा देखती है कि उसके बेटे के पास वही बंदूक है जो कि जॉन की थी, और वो उस बंदूक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बंदूक नहीं देता और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। और इसके बाद उसका बेटा एक ऐसी हरकत कर देता है जो कि काफ़ी शर्मसार होती है। वो अपनी माँ को गंदी नज़र से देखता है, जिसे देखकर ईवा वहाँ से भागना शुरू कर देती है। दोस्तों, क्या ये वही बेटा है जिसके लिए ईवा ने इतनी मुश्किलें झेली थी? पूरी कहानी हमें हमारी दुनिया की सच्चाई दिखाती है कि कैसे बड़े लोग अमीरों को दबाते जा रहे हैं और उनके हक का खाना छीनते जा रहे हैं, कैसे लालच और हैवानियत दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये पूरा शिप हमारी दुनिया है और इसके मुसाफिर भी हम ही हैं। दोस्तों, इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।